तो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे DZ09 स्मार्ट वॉच है वो मैंने ले लिया है। तो आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका अनबॉक्सिंग वीडियो का, तो आप वहां से जाकर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखे तो जान गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं। तो जैसे कि हम इस वीडियो में इसका जो भी फंक्शन वगैरह रहता है उसके बारे में हम बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे कॉलिंग फीचर है, इसमें व्हाट्सअप है, फेसबुक वगैरह जो भी है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, तो देख सकते हैं यहाँ पे है। तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करते हैं, इस घड़ी में अभी पीछे के साइड से यहाँ पे हम सिम कार्ड है उसमें इंसर्ट करते हैं, उसके बाद से आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ से बैक पैनल खोलने के बाद से आपको यहाँ पे बैटरी मिलेगा, तो बैटरी को यहाँ से कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिम कार्ड डालने के लिए दिया गया है। तो फटाफट से हम यहाँ पे सिम कार्ड है उसे डालते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिम ले लिया हूँ एयरटेल का, तो सिंपली से यहाँ पे आपको सिम है वो डाल लेना है। अगर आपके पास जियो का सिम है तो इसमें जियो का सिम नहीं उठाता है, तो आपको एयरटेल का ही सिम इसमें डालना पड़ेगा। तो मैंने जियो का सिम इसके पहले भी मैंने डाला था, लेकिन जियो का सिम इसमें वर्क नहीं करता है, तो आपको एयरटेल का सिम ही आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो सिम देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद से आपको यहाँ पर बैटरी को फिर से लगा लेना है और देखते हैं यहाँ पर सिम ये उठाता है या नहीं। तो इसके पहले भी मैंने जियो का सिम लगाया था, लेकिन जियो का सिम इसमें वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जैसे ही हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो स्मार्ट वॉच यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे एयरटेल शो करने लगा है। तो जैसे कि मेरा एयरटेल का सिम था वो मेरा को यहाँ पे शो करने लगा है। तो जैसे कि हम इसमें अभी कोई भी सारा भी नंबर पे, जैसे कि यहाँ पे मैं कॉल लगा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल लगा रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉल बिल्कुल सक्सेसफुली लग चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी वर्किंग है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं म्यूट भी कर सकते हैं, और इसमें जो भी फंक्शन दिया है वो सारा चीज़ आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइएगा फ़ोन पासबुक में, तो आपको जो भी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल भी लगा सकते हैं। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, आपको इसमें का जो भी फीचर है उसको बारे में दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे SMS मिल जाएगा, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आउटगोइंग SMS अभी मैंने जस्ट ही सिम लगाया है, तो कोई SMS आया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी पहले से ही ऑन था, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आइएगा तो माई डिवाइस पे आइएगा, तो यहाँ से ब्लूटूथ तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑन क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। तो नीचे की साइड में आपको स्किप करना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे स्किप करिएगा तो देख सकते हैं इंक्वायरी ऑडियो यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्वायरी ऑडियो पर जैसे आप लोग क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं। अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ओपन हुआ होगा तो इसमें डायरेक्टली आपको शो होने लगेगा, तो आप लोग इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपके मोबाइल का ब्लूटूथ ओपन होगा तो उस पर क्लिक करने के बाद ही आपके मोबाइल से जो भी गाना वगैरह रहेगा वो इसमें बजने लगेगा। तो मेरे पास अभी कोई आसपास में ब्लूटूथ ओपन नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, नहीं तो अब तक शो कर दिया होता। तो इसे कैंसिल करते हैं और इसमें का और फीचर दिखाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कॉल हिस्ट्री है, तो आपके मोबाइल में जो भी कॉल आया होगा आपको यहाँ पे शो कर लेगा। तो देख सकते हैं नो एंट्री यहाँ पे लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी कॉल आया गया नहीं है। तो डायल में आएंगे तो मैंने एक नंबर डायल किया था, तो आपको यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ही नंबर डायल किया, इसलिए यहाँ पर एक ही शो हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर और स्किप करिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर है, तो यहाँ पर मैंने अभी कोई डेट फिक्स नहीं किया, इसलिए आपको शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में आने के बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन सेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोन सेटिंग में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम पर आप लोग क्लिक करिएगा, तो आप आसानी से यहाँ से डेट एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर और आइएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप लैंग्वेज वगैरह लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पावर सेव मोड आप कर सकते हैं, अलार्म वगैरह लगा सकते हैं। और नीचे साइड में और स्किप करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकते हैं ब्राइटनेस है वो कम बेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे और नीचे आएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोड 11 है, तो आप जो भी इसमें लगाना चाहते हैं आप जो भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा मोड वगैरह दिया गया है,
तो मैं अभी उस जिस पे उसी पे रहना देना चाहता हूँ। तो और आइएगा तो आप देख सकते हैं नेटवर्क सेटिंग दिया गया है, तो नेटवर्क सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग यहाँ से नेटवर्क को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी सेटिंग है, तो अपने मोबाइल का जो भी लॉक लगाना चाहते हैं आप यहाँ से डायल करके आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाना नहीं चाहता हूँ, और तो इसे बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कॉल सेटिंग है, और यहाँ रीसेट फैक्ट्री है, तो आप यहाँ से अपने वॉच को यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल सेटिंग है, तो आप लोगों ने कॉल के इस सेटिंग के बारे में तो जान ही लिया। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको इमेज मिलेगा, तो जैसे कि मेरे मोबाइल में एक इमेज है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इमेज देखने को मिलेगा। तो अभी इसमें मैंने मेमोरी नहीं लगाया है, बस एक या दो फोटो आप इसमें खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इधर के साइड में स्किप करिएगा तो आप लोग देख सकते हैं फाइल का ऑप्शन है, तो अभी मैंने मेमोरी कार्ड नहीं लगाया है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर मिलेगा, अलार्म मिलेगा, और यहाँ पे कैमरा, और यहाँ पे ऑडियो, यहाँ पे आप यहाँ से आप अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आइएगा तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ओके करिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग होने लगा। यहाँ देख सकते हैं हार्ड डिस्क फुल हो गया है, क्योंकि मैंने अभी मोबाइल नहीं लगा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो भी मतलब मेमोरी कार्ड नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा देर का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो और इधर स्किप करेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे स्लीप मोड है, और यहाँ पे स्टैंडिंग है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक व्हाट्सअप है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो देख सकते हैं वेटिंग करते करते मतलब आपको 2-4 दिन आप जितना दिन भी रुक जाइए लेकिन वेटिंग से नहीं हटेगा। तो इसमें कि जैसे कि मैं यहाँ पे जिसके वेटिंग है, तो मैंने बहुत देर वेट किया, जैसे कि मैंने आधा एक घंटे तक इसे वेटिंग में ही छोड़ दिया था, लेकिन यह कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले ऑफ हो चुका है, जैसे ही मैं यहाँ पे फिर से ओपन करूँगा तो देख सकते हैं फिर से वेटिंग ही बताएगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो भी आप इसमें ओपन करिएगा तो ये वेटिंग ही बताएगा। तो इसमें का जो भी मतलब 3-4 फीचर आपको दिया गया है तो ये बिल्कुल फेंक है। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो ये चारों फीचर बिल्कुल इसमें फेंक दिया गया है, और इसमें का चारों फीचर ये वर्क नहीं करता है। तो आप इसमें फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह नहीं चला सकते, तो आपको ओरिजिनल घड़ी एप्पल का लेना होगा तभी उसमें चलेगा, या सैमसंग का आपको ब्रांडिंग वाला लेना पड़ेगा तभी उसमें व्हाट्सअप वगैरह चलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो इसमें जो भी रहता है वो नहीं चलता है। अगले वीडियो में हम इसका वाटर टेस्टिंग करने वाले हैं कि पानी में सर्वाइव करता है या नहीं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जैसे कि मैं अगले वीडियो में इसका वाटर टेस्टिंग वाला वीडियो डालने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं उस वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।